शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक शिफ्ट टाइम की खबर का हुआ असर, वो ड्राइवर जो न जाने कितने स्कूली बच्चों की लगातार आए दिन उनकी जान जोखिम में डाल रहा था, उस ड्राइवर पर लगी एफआईआर, मेटाडोर भी हो गई, यानी कि उसे भी कस्टडी में लिया गया और ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर, पहले सबसे पहले वीडियो हम आपको दिखाएंगे। कल हमने दैनिक शिफ्ट टाइम पर एक वीडियो अपलोड किया था जो हमें वहाँ उदयपुर के स्थानीय लोगों ने भेजा था। देखिए किस कदर ये ड्राइवर जो है रोज इसी तरह से स्कूली बच्चों की जान को खतरे में डालता था, पर हम उन लोगों का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ये विजुअल हम तक पहुंचाए और हमने जो उदयपुर पुलिस और ट्रैफिक विभाग तक ये जानकारी दी और तुरंत उन्होंने कार्रवाई करते हुए उस ड्राइवर को हिरासत में लिया, मेटाडोर को सीज किया और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये हमने इस समय आपको विजुअल जो बताए हैं बताना चाहेंगे। ये वीडियो जो है जोनू दंदाल डिस्ट्रिक्ट उदयपुर की है और जो मेटाडोर का नंबर है JK14D8147। कल हमें तुरंत किसी ने जानकारी, वहां के स्थानीय लोगों ने जानकारी दी थी कि आए दिन रोज ये व्यक्ति ये रोज इस तरह से मेटाडोर जो कि बच्चों से भरी, स्कूली बच्चों से भरी हुई लेके जाता, भरी ही नहीं बल्कि छत पर भी देखिए स्कूली बच्चे बिठाए हैं और देखिए पीछे भी बच्चे लटकते हुए। भगवान ना करे कोई अगर हादसे का शिकार होगा तो कौन होगा जिम्मेदार। तो हमने तुरंत जो वीडियो थी जो SHO उदयपुर है रघुवीर सिंह जी उन तक पहुंचाई, फिर DSP जो ट्रैफिक है अरुण जम्वाल तक पहुंचाई, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है क्योंकि उन्होंने पूरी तथ्यों को हमने उन तक पहुंचाया था। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे वेल्डन जो कि SHO है उदयपुर, वेल्डन DSP अरुण जम्वाल जी, उन्होंने हमारी जो हमने उन तक विजुअल बताए थे और वो लिंक जो भेजा था उन्होंने तुरंत उसको कार्रवाई करते हुए उस ड्राइवर को हिरासत में लिया है। क्योंकि ये बात एक ड्राइवर को हिरासत में लेने की नहीं, बात ये है जो मासूम छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी जिंदगी को रोज आए दिन ये ड्राइवर चंद पैसों के लिए अपनी यानी खाना पूर्ति करने के लिए कि मेटाडोर बड़ी होनी चाहिए, चार पैसे ज्यादा आएंगे, पर सोचिए अगर कोई हादसा हो जाता उन बच्चों में से किसी की जान पर बनाती तो क्या उसकी भरपाई हो पाती। तो इसी तरह से लोगों को अवगत होना चाहिए ओवरलोडिंग के चलते। वैसे भी आप देख रहे हैं आए दिन ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक विभाग और जम्मू कश्मीर पुलिस नाके लगाती हूँ, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, सिर्फ फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। पर हमने जो वीडियो बताया वो वीडियो हम भी देखकर डर गए कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जिनको माँ बाप ने स्कूलों में भेजा था पर मेटाडोर वाले किस तरह से उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे चंद पैसों के लिए। और स्कूली बच्चे मेटाडोर तो बनी थी पर छतों पर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के बैग यूनिफॉर्म में बिठाया होता, बच्चे पीछे लटके हुए थे। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि आने वाले समय में अगर बच्चे को किसी को कुछ हो जाएगा तो क्या आप जिम्मेदार होंगे, क्या उस बच्चे को वापस ला कर देंगे अगर कोई उनके जान पर बनाती है। तो एक चिंता का विषय था। हम शुक्रिया करते हैं उस इन्फॉर्मर का जिन्हें हमें ये वीडियो सेंड किया, उन्होंने कहा मैडम ये रोज का काम है इसी तरह से ये मेटाडोर वाले जो कि जगह का नाम है जोनू डंडाल जहाँ पर ये मेटाडोर जाती है रोज स्कूली बच्चों से भरी हुई जाती है और ओवरलोडिंग बच्चे लटके होते हैं, बच्चे छतों पर बैठे होते हैं। तो हमने तुरंत SHO जो रघुवीर सिंह जी हैं उन तक ये बात पहुंचाई और साथ ही साथ DSP अरुण जम्वाल है उन्होंने उससे भी बात की और तुरंत उन्होंने कार्रवाई की। हम ये जरूर कहेंगे हमारी जो पुलिस है जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस हमें उन पर गर्व है अगर इसी तरह से वो काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि उनके चर्चे जो देश में नहीं बल्कि विदेशों में हैं और देश के प्रधानमंत्री हमेशा हमारी फोर्सेज की तारीफ करते हैं। पर एक जरूर कहेंगे कि रघुवीर सिंह जो है SHO उदयपुर है वो बड़े ही एक काबिल ऑफिसर है, जम्मू से भी होकर गए, जम्मू में अपने अपने जनता को सर्व करके गया, उदयपुर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी उन्हें कोई इस तरह की हम घटना का सूचना देते हैं तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। हाल ही में एक ट्रैफिक कर्मी के द्वारा एक ड्राइवर को तंग किया जा रहा, एक दुकानदार के माध्यम से एक ड्राइवर को तंग किया जा रहा था, तो हमने जब रघुवीर सिंह जी से बात की वो तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने इनिशिएटिव लिया उस ड्राइवर को, यानी कि उस ड्राइवर को इंसाफ दिलाया, उस ड्राइवर की जो परेशानी थी उसे हल किया। तो ऐसे ऑफिसर जो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को अपनी इबादत समझते हैं ये तारीफ के पात्र हैं और ये जरूर कहेंगे ऐसे लोगों को। और भी कई सारे ऑफिसर हैं जिन्होंने लगातार ये कहेंगे कि ड्रग्स पर लगाम कसी है, उनको NDPS या PSA के तहत जेलों में भरा है, ऐसे ऑफिसर को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उन्हें अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए क्योंकि अप्रिसिएशन से ऐसे ऑफिसर का मनोबल बढ़ता है, उन्हें और बेहतर अपनी जनता को सर्व करने की उनके अंदर क्षमता होती है और अपने एनकरेजमेंट होती है। तो ऐसे ऑफिसरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कोई 26 जनवरी 15 अगस्त जब भी हमारे पुलिस के आला अधिकारियों कई सारे ऑफिसर को सम्मानित किया जाता है, पर ये ऑफिसर चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो कांस्टेबल है, इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के दौर में अगर बात करें तो ड्रग माफिया सबसे
सबसे ज्यादा जो कि सक्रिय और जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए खतरा है। ऐसे लोगों पर जो शिकंजा कस रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के, ऐसे ऑफिसर को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इसमें एक नाम आता, हम जरूर कहने से चूकेंगे नहीं, कि जहीर मुश्ताक जो मनास है वो अब इस समय SHO अखनूर है। जब वो SHO मीरा साहब थे, उन्होंने ताबड़तोड़ हल्ला बोला था ड्रग माफिया पर, और शायद ही पहले ऐसा पुलिस स्टेशन होगा जहां एक साल में इतने सारे केसी जो NDPS के और PSA लगाकर उन्हें जो ड्रग तस्कर माफिया था उन्हें जेलों के अंदर भरा था। इसी तरह अखनूर की बात करें तो हर दिन आप देख रहे हैं कि मोहनलाल शर्मा जो DSP अखनूर है, उनके नेतृत्व में जो जहीर मनास है वहां पर भी अपना बड़ा ही अच्छा कार्य यानी कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को दे रहे, जनता को सर्व कर रहे हैं, और ड्रग माफिया पर एक यानी कि ये कहेंगे उन पर हल्ला बोला है उन्होंने। तो ऐसे ऑफिसरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आला अधिकार पुलिस के आला अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं, DGP RR स्वेन से निवेदन करते हैं, IGP जो आनंद जैन जी से निवेदन करते हैं, ऐसे ऑफिसर का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें भी अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए ताकि और बेहतर सर्व करें और बेहतर कर। और अगर इन्हें नजरअंदाज इनके काम को किया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों का ऐसे ऑफिसर का मनोबल टूटता है। तो जरूर कहेंगे वेल्डन SHO रघुवीर सिंह जी, और वेल्डन कहेंगे DSP ट्रैफिक अरुण जवाल जी, जिन्होंने तुरंत दैनिक शिफ्ट टाइम की उस खबर का, एक छोटी सी खबर थी पर कहीं ना कहीं कई बच्चों की जान को जोखिम में डाला हुआ था, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उस ड्राइवर को बताना चाहेंगे किस सेक्शन के तहत उन्हें बुक किया, उस ड्राइवर को भी हिरासत में लिया और साथ ही साथ मेटाडोर को भी सीज कर दिया। बताना चाहेंगे आपको जो धाराएं लगी हैं IPC 1860 जो सेक्शन है 279 और साथ ही साथ IPC 1816 336 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया और मेटाडोर को भी सीज किया गया। जो भी समय में जनता देखती है अगर आसपास आके भी इसी तरह से ओवरलोडिंग हो रही है कि कई लोगों की जान को अगर जोखिम में डाला, तुरंत हमें वीडियो बनाकर पहुंचाइए ताकि हम पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचाए और उन पर कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में वो लोगों की जिंदगी इसके साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करें। एक बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है जहां पर एक स्कूली एक मेटाडोर थी जो लगातार आए दिन स्कूली बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल रही थी, जिसके चलते हमने जो वहां पे SHO रघुवीर सिंह जी और DSP ट्रैफिक जो है अरुण जवाल जी उन तक ये खबर पहुंचाई, उन्होंने उस ड्राइवर को FIR रजिस्टर कर ली, व्हीकल को भी सीज कर लिया, ड्राइवर